बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इस वीडियो में सिस्को का एक और स्विच के बारे में जानना है। ये है SG300 28PP28 पोर्ट का ये गीगाबिट POE स्विच है। ये पहले तो ये हम समझ लें POE और नॉन POE स्विच में क्या फ़र्क है। POE स्विच जो होते हैं इसके ऊपर नेटवर्क डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट वगैरह लगाए जाते हैं, जिसको इथरनेट के साथ साथ हम पावर भी देते हैं। ये जो पोर्ट्स हैं ये इथरनेट इंटरनेट के साथ साथ पावर भी देती हैं उनको। उसके साथ हम फ़ोन चलाते हैं इन पोर्ट्स पे और एक्सेस पॉइंट चलाते हैं, आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। ठीक, ये इसकी 24 जो पोर्ट्स हैं वो हैं नॉर्मल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ जो हैं ये 2-4 पोर्ट्स ये हैं UTP, लेकिन ये अपलिंक के लिए यूज़ होती है। फिर इसके साथ 2 मॉड्यूल पोर्ट है, SFP मॉड्यूल्स लगते हैं। ये जो स्विच है ये वेब बेस स्विच है, आप इसको वेब बेस कन्फिगर कर सकते हैं। अब इसकी बैक साइड पे आती हैं, इस स्विच की ये कंसोल पोर्ट है और ये इसकी पावर पोर्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा मॉडल है। सिस्को की जितनी भी डिवाइसेज हैं उसको इस स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए ये स्विच बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने समझ लेनी है, जैसे नॉर्मल स्विच में ऊपर जो फर्स्ट पोर्ट होती है वन होती है, बॉटम में 2 होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 1 के बॉटम में पोर्ट नंबर 13 आ गई और 2 पोर्ट नंबर ऊपर है, तो 14 पोर्ट नंबर नीचे ये वाली होगी 14। ठीक है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। जब अक्सर आप ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं तो आप काउंट करके ऐसे काउंट करके बताते हैं अपने सीनियर को, मैंने 4 नंबर पोर्ट पे लगा दी, एक्चुअली ये 4 नंबर पोर्ट नहीं है, ये 14 नंबर पोर्ट है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ आएंगे।